अगर आप भी पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। इनमें आपको इस पोर्टल पर कई तरह के आपके यहाँ पर मल्टीपल जॉब देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या पार्ट टाइम वर्क हो, सभी टाइप का आपके यहाँ पर जो जॉब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाता, बस आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंटरव्यू फेस करना होता है और आपकी क्वालिफिकेशन चाहे 9th में हो, 10th में, 12th में हो, जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी उतनी अच्छी आपको यहाँ पर जो जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके नेशनल कैरियर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आप हिंदी में इस वेबसाइट को यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको हिंदी वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट यहां पर हिंदी में खुल करके आ जाएगा। नीचे आएंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है और यहां पर आप यहां पर लोकेशन वाइज, यहां पर स्टेट वाइज भी आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे स्टेट में यहां पर कितना कितना यहां पर वैकेंसीज आया हुआ है, क्योंकि यहां पर एट ए दिन यहां पर आती रहती है वैकेंसी। जैसे कि यहां पर देख पा रहे कि बिहार में अभी यहां पर 6145 यहां पर वैकेंसीज यहां पर खाली है, आसाम में देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में अलग अलग यहां पर राज्य वाइज यहां पर दिया गया कि कितना कितना यहां पर सीट खाली है। सिंपली आप जिस भी स्टेट में रहते हैं या जिस भी स्टेट में आपको वैकेंसीज चाहिए, आपको अपने स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमने यहां पर बिहार को सिलेक्ट किया तो यहां पर बिहार में जितने भी वैकेंसीज अवेलेबल होंगे वो यहां पर हमको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देख पा रहे हैं इस तरीके से नीचे अलग अलग यहां पर वैकेंसीज देखिए देखने को मिल पा रहे हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इस तरीके से यहां पर दिया गया है और यहीं पर आपको एक अप्लाई का भी ऑप्शन दिया गया है। ऊपर आएंगे तो आपको यहां पर सर्च करने के लिए कुछ टूल भी यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए तो यहां पर कीवर्ड वाले ऑप्शन पर आप यहां पर सर्च करेंगे, जावा से रिलेटेड चाहिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर का चाहिए, सेल से रिलेटेड चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड चाहिए, वो आपको यहां पर सर्च करना होगा। जॉब लोकेशन आप यहां पर क्या ऑल इंडिया में लेना चाहते हैं या फिर आप अलग अलग सिटीज में लेना चाहते हैं तो आपको अपना स्टेट सिटी का नेम आपको यहां पर फेंट कर देना, यानी कि टाइप कर देना है। उनके बाद सैलरी पूछा जा रहा है, क्या आप डेली लेंगे, मंथली लेंगे, वीकली लेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। कितना तक आपको सैलरी चाहिए वो सैलरी आप यहां पर फिलअप कर सकते हैं। उनके बाद यहां पर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो भी यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, इस तरीके से आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड आपको यहां पर नीचे इस जगह आपको जॉब वगैरह देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमने यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड हमने यहां पर कीवर्ड को सिलेक्ट किया है और सर्च किया है तो उसी से रिलेटेड आपको यहां पर जॉब वगैरह देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए इस तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर इस तरीके से यहां पर बैंकिंग के लिए यहां पर दिया जा रहा है। जॉब लोकेशन बताया गया कि कहां कहां आपको यहां पर जॉब वगैरह करना होगा और यहां पर आपको देखिए बहुत सारे डिटेल वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। यहां पर क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया, आपको 12th पास है तो आप इसके लिए इलिजिबल है, ग्रेजुएट है तो भी इलिजिबल है, एज लिमिट यहां पर 18 से 22, इस तरीके से यहां पर देखिए बताया गया। बाकी आपको सैलरी वगैरह भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहां पर सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा जॉब चाहिए। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहीं पर देखिए एक अप्लाई वाला ऑप्शन मिलता है, इन अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपका इस जॉब का जितना भी पूरा डिटेल होगा वो आपको यहां पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको देखिए सैलरी वगैरह देखने को मिल जाता है, जॉब आईडी, पोस्ट, यहां पर डेट दिया गया, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है, कौन सी कंपनी का यहां पर जो वैकेंसीज है वो भी यहां पर दिया गया, इस तरीके से यहां पर जॉब टाइटल, ओनरशिप, बहुत सारे डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर क्वालिफिकेशन बताया गया, फिर उनके बाद आपको पूरी डिटेल यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कि सैलरी कितना दिया जाएगा, पार्ट टाइम है कि फुल टाइम है, एज कितना लगेगा, और यहीं पर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, ईमेल आईडी, जिनके द्वारा अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू वगैरह भी फेस करना होता है, तो इंटरव्यू लेने के बाद ही आपका यहां पर सिलेक्शन हो पाता है। अप्लाई करने के लिए यहीं पर अप्लाई वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर आप नीचे आएंगे तो फिलहाल अभी देख पा रहे हैं हम यहां पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हमने यहां पर अभी यहां पर कोई भी लॉगिन आईडी नहीं बनाया है, तो बिल्कुल एक क्लिक में आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर आप अपने यहां पर आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे नेशनल कैरियर सर्विस के लिए, तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, उनके लिए यहां पर न्यू यूजर साइन अप वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आपको यहां पर फिलअप करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपका आधार, यूआईडी, ये सब डिटेल लगने के बाद तब जाकर के आपका एक आईडी कार्ड बनता है। उनके बाद नंबर मिलेगा, उन यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद सर्च करके बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आईडी कार्ड आप यहां पर कैसे बनाएंगे उस पर हमने पहले से एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, काफी सारे लोगों ने वो वीडियो देखा और अच्छा प्यार दिया है, वो
वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो देखकर आप खुद से यहाँ पर जो अपना नेशनल कैरियर सर्विस पर एक आईडी और कार्ड यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं और उसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी अब बिल्कुल एक क्लिक में आप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और प्रिंट आउट भी आप निकाल करके रख सकते हैं। उनके बाद उनकी टीम की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर उनके बाद आप इंटरव्यू देंगे, उनके बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह हो सकता है। और इनमें दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपसे पैसे वगैरह मांगे जाते हैं यानी कि ठगे जाते हैं, तो उन सब चीज से आप सतर्क रहिएगा, कहीं भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।